बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के टेलीफोन के पार्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कशन में आ रहा है, जो पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है अबाउट एंटी साइड टोन। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एंटी साइड टोन और साइड टोन होती क्या। फर्स्ट आपको बता दूँ कि क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज साइड टोन, TONE टोन। साइड टोन बेसिकली जब आप अपने टेलीफोन के हैंडसेट से बात करते हैं तो उसमें जब इम्पीडेंस मैच नहीं रहती, यानी इनपुट इम्पीडेंस इज़ नॉट इक्वल टू द आउटपुट इम्पीडेंस, या आपके इंडक्टेंस जो हैं वो वोल्टेजेस जब मैच नहीं होते, लोड और सोर्स जब बराबर नहीं होते, इसी तरीके से जब आपकी इनपुट इम्पीडेंस जो आउटपुट इम्पीडेंस के बराबर नहीं होती है बात करते हुए, दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ साइड टोन। साइड टोन के नतीजे में होता क्या है, आपको एक ही टोन दो दफ़ा सुनाई देती है, टोन टोन दो दफ़ा सुनाई देगी, बीच में जो टोन के दरमियान जो गैप होता है ना वो आपको सुनाई नहीं देगा। यानी एक बीप जाती है ना टोन, उसके बाद एक साइलेंस होता है, उसके बाद फिर अगली एक टोन की आवाज़ सुनाई देती है। तो बेसिकली दो टोन्स के दरमियान जो 0.66 माइक्रोसेकेंड का वक्फा है वो बीच में थोड़ी देर के लिए लम्हाती तसलसल जो है उसको तोड़ता है, नहीं बल्कि साथ ही था। इसकी एक और निशानी ये है कि आपको अपनी आवाज़ डबल टाइम सुनाई देती है, बाउंस बैक होकर सुनाई देती है, इसको साइड टोन कहते हैं। तो उससे तदारुक के लिए क्या किया गया है, बेसिकली सर्किट इतना सही होता है उसका टेलीफोन का, लेकिन यहाँ पर फिर उस क्या किया, एक L3 और एक साथ अलहदा बैलेंसिंग नेटवर्क जो है वो टेलीफोन के हैंडसेट रिसीवर के साथ लगाया गया, ताकि इस बैलेंसिंग नेटवर्क के थ्रू हम लोग थ्रू स्पीकर और माइक्रोफोन आवाज़ ले सकें। सर्किट का थोड़ा तारुफ करा दूं, इंट्रोडक्शन करा दूं। ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन के साथ दो इंडक्टर्स लगे हैं L1 और L2, दरमियान में एक चोक है, उसके आगे दो रेजिस्टेंस हैं और दो कैपेसिटर्स हैं। ये बेसिकली बैलेंसिंग नेटवर्क है जो साइड टोन को ख़त्म करने के लिए लगाया गया है, और यहाँ पर L3 के थ्रू एक इनपुट स्पीकर को दी गई है और यहाँ से एक बैलेंसिंग नेटवर्क से एक इनपुट स्पीकर को दी गई है। और इस तरीके से बैलेंसिंग नेटवर्क जो है वो माइक्रोफोन के साथ है। ये आपकी लाइन इम्पीडेंस है जो लाइन इम्पीडेंस को कंट्रोल करती है। एंटी साइड टोन को हम यूज़ कब करेंगे, दो टाइम पे, व्हेन वी स्पीक थ्रू द माइक्रोफोन। जब हम माइक्रोफोन पे हेडसेट के बोलते हैं तो यहाँ से माइक्रोफोन क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करता है इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और करंट। वो करंट जो है इन दोनों इंडक्टर्स में चली जाती है, L1 और L2 में। ये दोनों क्या क्रिएट करते हैं, फ्लक्स क्रिएट करते हैं। चूँकि बैलेंसिंग नेटवर्क इस तरफ ज़्यादा है तो L1 का जो उस तरफ लाइन इम्पीडेंस है, L1 और L2 दोनों करंट बनाते हैं, फ्लक्स बना करंट देते हैं, लेकिन इस तरफ जो लम्हाती तसलसल थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उस करंट बनाने का प्रोसेस, तो वो R1 और R2 की मदामत भी होती है। तो L3 जो इस सूरत में होता है, इंडक्टर नंबर 3, ये बेसिकली करंट को में फ्लक्स बनाने में उसके ऊपर जो बैलेंस रह जाता है उसको बैलेंस करता है। इस तरीके से ये बैलेंसिंग नेटवर्क जो है स्पीकर के ऊपर ये करंट आती है, इनपुट पाती है, बैलेंसिंग नेटवर्क भी अपनी करंट प्रोवाइड करता है, और नतीजतन आपको स्पीकर से एक बड़ी स्मूथ आवाज़ आती है। दूसरी सूरत, व्हेन वी लिसन थ्रू द स्पीकर, जब कोई दूसरा सब्सक्राइबर हमसे बात कर रहा है और हमें आवाज़ आ रही, तो क्या होगा, स्पीकर पर हम आवाज़ सुन रहे हैं। इस सूरत में जो करंट लाइन इम्पीडेंस के थ्रू आएगी वो L2 पहले उसको उसको फ्लक्स में कन्वर्ट करेगा, और करंट जो है वो देगा L2 को, L1 जो है इस करंट को L3 के ऊपर देगा, L3 क्या करेगा, उसको बाउंस बैक ज़्यादा नहीं करेगा बल्कि बड़ा इजीली उन वोल्टेजेस को कन्वर्ट, आवाज़ आने वाली आवाज़ को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्पीकर के यहाँ पर देगा फ्लक्स की सूरत में करंट को, और स्पीकर क्या करेगा, उसको ऑडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा और हमें आवाज़ स्टडी स्मूथ आना शुरू हो जाएगी। बाउंस बैक होती हुई डबल आवाज़ या नॉन इम्पीडेंस मैच्ड किस्म की आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि हमें एक स्टडी स्मूथ आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। यह था आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।